चलिए अभी एरोमेटिक कंपाउंड्स से रिलेटेड एक रिएक्शन जिसका वीडियो बनाने का बोला था मैंने आपको, दैट रिएक्शन इज व्हाट दैट बेंजीडीन रीअरेंजमेंट। ठीक है, अब वैसे ये कभी एग्जाम में पूछी नहीं गई है, ठीक है, नॉर्मली मॉड्यूल्स वगैरह में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, वो क्वेश्चन दूसरी जगह भी नहीं है, बट ये नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन का जो एक प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर आगे की एक रिएक्शन है। ठीक है, तो कहीं बाई चांस किसी क्वेश्चन वगैरह में काम में आ जाए ना, तो उस हिसाब से अपन देख रहे हैं इसको। ठीक है, तो रिएक्शन क्या लाते हैं, बेंजीडीन रीअरेंजमेंट है ना। इसमें क्या है, नाइट्रोबेंजीन जो है इसका जिंक और एक्वस NaOH, इससे जो अपन रिडक्शन करवाते हैं, तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनता है, दैट इज हाइड्रेजो बेंजीन बनता है। ठीक है, ये रिएक्शन अपना पड़ा हुआ है ना, कि नाइट्रोबेंजीन का जब हम क्या करवाएंगे, रिडक्शन करवाते हैं, तो नाइट्रोबेंजीन के जिंक और एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन पर फॉर्मेशन किसका हुआ था, नाइट्रोजो हाइड्रेजो बेंजीन। ठीक है, यहाँ रिएक्शन में हाइड्रोजो बेंजीन का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, अब कौन सी चीज है, तो ये हाइड्रोजो बेंजीन जो होती है, इस हाइड्रोजो बेंजीन को यदि हम किसके साथ ट्रीट करते हैं, नाट इज विद एक्वस HCl या H2SO4, या फिर इट इज इथेनॉलिक HCl या H2SO4, तो क्या हो जाता है, तो बोलेंगे ये चेंज हो जाता है किस नाट इज इनटू बेंजीडीन। ठीक है, और ये जो रिएक्शन होती है इसी का नाम क्या होता है, दैट बेंजीडीन रीअरेंजमेंट है ना। यही रिएक्शन जो होती है ये क्या कहलाती है, बेंजीडीन रीअरेंजमेंट कहलाती है। समझ आ गई बात, ये तो कौन सा चीज हम बोलते हैं, तो हम बोलेंगे इट इज हाइड्रेजो बेंजीन का ट्रीटमेंट विद, है ना, इट इज एक्वस HCl और H2SO4, और इट इज विद व्हाट, दैट इथेनॉलिक HCl और H2SO4, तो उसमें क्या हो जाता है, तो हम बोलेंगे जो हाइड्रेजो बेंजीन है ये चेंज हो जाती है बेंजीडीन में, है ना। बेंजीडीन में क्या रहेगा, इट इज दोनों फिनाइल के कार्बन कार्बन डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं, यहाँ पर कनेक्शन किसके थ्रू था, दैट वॉज नाइट्रोजन के थ्रू, और ये NH2 NH2 कहाँ पर आ जाएंगे, दैट इज एट पैरा पोजिशन आ जाते हैं। समझ आती बात ये, ठीक है, तो ये रिएक्शन जो होता है इसका नाम क्या होता है, दैट इज बेंजीडीन रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, अब बेंजीडीन रीअरेंजमेंट में क्या भी हो सकता है, तो हम बोलेंगे ये इस टाइप का प्रोडक्ट भी मिल सकता है जिसमें एक NH2 पैरा पर और दूसरा ऑर्थो पर, इसको क्या कहा जाता है, डायफिनाइलाइन। ठीक है ना, फिर क्या हो सकता है, तो हम बोलेंगे एक NH2 उसकी ऑर्थो पोजीशन पर क्या आ जाएगा, इट इज NHPH आ जाएगा। ठीक है, इसको कहा जाता है, दैट इज ऑर्थो सेमिडीन। ठीक है, फिर कौन सी चीज हो सकती है, तो हम बोलेंगे इट इज एक फिनाइल, फिर NH, फिर उसके बाद दूसरा बेंजीन और उसकी पैरा पोजीशन पर NH2। ठीक है, इसको हम क्या होते हैं, दिस इज कॉल्ड पैरासेमिडीन। ठीक है, नहीं ये क्या कहलाएगा, दिस इज पैरासेमिडीन कहलाता है ना, मतलब NH2 की ऑर्थो पर NHPH, तो इट इज ऑर्थोसेमिडीन, और NH2 की पैरा पर NHPH, तो ये क्या हो जाता है, दैट इज पैरासेमिडीन। ठीक है, और फिर कौन सी चीज है, तो मतलब कि कार्बन कार्बन में डायरेक्ट बॉन्डिंग हो जाए और दोनों NH2 एक दूसरे की ऑर्थो पोजिशन पर आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, ये क्या कहलाते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्थो बेंजीडीन। समझ आ गई बात ये, दिस इज नोन एज व्हाट, दैट ऑर्थो बेंजीडीन। आया क्या समझ में, है तो हम कौन सी चीज बोलते हैं, तो हम बोलेंगे इट इज हाइड्रोजो बेंजीन का रिएक्शन जब HCl या H2SO4 से करवाते हैं एक्वस या इथेनॉलिक, है ना, सोल्यूशन में, तो क्या बोलेंगे, इट इज बेंजीडीन बन सकता है, देन इट इज व्हाट, दैट डायफिनाइलाइन, और इट इज ऑर्थोसेमिडीन। ऑर्थोसेमिडीन इज व्हाट, NH2 के ऑर्थो पर NHPH, और पैरासेमिडीन इज व्हाट, इट इज NH2 की पैरा पोजिशन पर NHPH। ठीक है, या फिर है ना बायफिनाइल, इसमें दोनों ऑर्थो पर NH2 NH2, सो दिस इज व्हाट, दैट ऑर्थोबेंजीडीन। ठीक है, तो ये वाले सारे प्रोडक्ट इस रिएक्शन में मिल सकते हैं। समझ आ गई बात ये, ठीक है, अब कौन सी चीज अपन बोलते हैं इसमें, तो बोलेंगे कंडीशन डिपेंडेंट क्या रहेगा, इनके प्रोपोर्शंस में वेरिएशन फिर आता है। ठीक है, अब क्या इसके अलावा, तो बोलेंगे इन प्रोडक्ट्स के अलावा ना माइनर अमाउंट में हमको क्या भी मिल सकता है, तो बोलेंगे रिएक्शन में डिसप्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, कौन सी चीज हम बोलेंगे, तो बोलेंगे इट इज माइनर अमाउंट में यहाँ पर ना डिसप्रोपोर्शनेशन वाले प्रोडक्ट्स भी हमको मिल सकते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसका यदि आप डिसप्रोपोर्शनेशन देखोगे तो इसका डिसप्रोपोर्शनेशन क्या, तो हम बोलेंगे इसका ऑक्सीडेशन इसी का रिडक्शन, तो रिडक्शन मतलब क्या, इसके ऊपर दोनों नाइट्रोजन पर एक एक हाइड्रोजन, तो
क्या हो जाएगा, इट इज एनिलीन के दो मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, ठीक है। या फिर दोनों नाइट्रोजन पर से एक एक हाइड्रोजन हट गया, एन डबल बॉन्ड एन बन गया, ये क्या हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन, इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज एजोबेंजीन, ठीक है। हम बोलते हैं इट इज हाइड्रोजोबेंजीन जो है इसका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इज व्हाट, रिमूवल ऑफ दोनों हाइड्रोजन, ठीक है, एंड एन डबल बॉन्ड एन, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज एजोबेंजीन, ठीक है। और या फिर कौन सी चीज हो सकती है, तो बोलेंगे दूसरी चीज ये हो सकती है कि ये दोनों नाइट्रोजन पर एक एक हाइड्रोजन आ जाए और नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड टूट जाए, तो फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, दैट इज ऑफ एनिलीन। समझ आ गई बात ये, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाता है, क्लियर है अच्छे से ये, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, दैट इज इसका डिसप्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट होता है। आया क्या समझ में अच्छे से, ये है ना, ये क्या होता है, दैट इज इसका डिसप्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट, कि इसका ऑक्सीडेशन जब होगा तो बन जाएगा इट इज एन डबल बॉन्ड एन, दैट इज एजोबेंजीन, और उसका रिडक्शन जब होगा तो क्या बन जाएंगे, एनिलीन के दो मोल्स बन जाते हैं, क्लियर है अच्छे से, ठीक है। इसके बाद फिर हम कौन सी चीज बोलेंगे, तो हम बोलेंगे कि इनमें ना क्या रहेगा, इट इज एक्चुअल अमाउंट जो रहेगा प्रोडक्ट का वो डिसाइड होता है किसके बेसिस पर, तो हम बोलेंगे इनका जो स्ट्रक्चर होता है, हाइड्रोजोबेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है ये, ठीक है। जैसे कौन सी चीज है, तो हम बोलेंगे यदि दोनों बेंजीन में से एक की पैरा पोजिशन जो होती है वो ऑक्यूपाइड हो, तो फिर जो मेन प्रोडक्ट होता है ना वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है, तो हम बोलेंगे इट इज जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है उसके नेचर पे, ठीक है ना। इन दोनों बेंजीन्स में से किसी एक बेंजीन पर जब क्या लगा है, पैरा पोजिशन पर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन में प्रोडक्ट कौन सा बनेगा ये डिसाइड कौन करेगा, तो हम बोलेंगे जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है उसके नेचर से डिसाइड होता है। आते हैं समझ में, है ना, उसके नेचर से ये डिसाइड होगा, क्लियर ही है ना। अब कौन सी चीज अपन बोलते हैं यहाँ पर, है ना, कि अब एग्जाम्पल इसमें जैसे कि हमने भी दोनों बेंजीन में से एक की पैरा पोजिशन पर क्या लगा दिया, इट इज ओ एम ई या ओ ई टी लगा दिया, है ना, या इन जनरल ओ आर ग्रुप, तो क्या होता है, प्लस आर ग्रुप होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेमिडीन मेजर प्रोडक्ट होता है और पैरा सेमिडीन जो रहेगा दैट इज माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। क्या बोला हमने, मतलब कि दोनों बेंजीन में से एक बेंजीन की पैरा पोजीशन पर हमने किसको लगा दिया था, दैट इज ओ आर ग्रुप को लगा दिया ना, इट इज ओ एम ई या ओ ई टी, तो तब हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन में ऑर्थो सेमिडीन जो होता है ये मेजर प्रोडक्ट बन जाता है ना। सेमिडीन क्या बोला था हमने, था इट इज NH2, और उसकी ऑर्थो पर यदि NHPH, तो ऑर्थो सेमिडीन, और NH2 की पैरा पर यदि क्या आ जाएगा, इट इज NHPH, तो इट इज पैरा सेमिडीन। तो हमने क्या बोला इधर, एक बेंजीन की पैरा पोजिशन इज ऑक्यूपाइड विद व्हाट, दैट OME ग्रुप, ठीक है, तो ऑर्थो सेमिडीन मेजर प्रोडक्ट बनता है और ये जो पैरा सेमिडीन है ये क्या रहेगा, दैट इज माइनर प्रोडक्ट होता है रिएक्शन का। समझ आ गई बात ये, ठीक है। अगली चीज कौन सी, तो बोलेंगे पैरा पोजिशन पर यदि किसको लगाया है, दैट इज हेलोजन को लगाया है, जो क्या शो करता है, इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर शो करता है, ठीक है। तो तब उस केस में हम क्या बोलते हैं कि डायफिनाइल लाइन और ऑर्थोसेमिडीन, ये हमको दोनों प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है। अमाउंट हालांकि स्पेसिफाइड नहीं है बट मेजर माइनर नहीं बोला है, मतलब क्या हो जाएंगे, ऑलमोस्ट इक्वल यील्ड में मिलते होंगे। समझ आई बात ये, है ना। हमने क्या बोला इधर, दोनों बेंजीन में से एक बेंजीन की पैरा पोजीशन पर हमने किसको लगाया, दैट इज सीएल ग्रुप को लगाया, तो तब हम क्या बोलते हैं, तो हम बोलेंगे इस बार डायफिनाइलाइन मिलता है ना, रादर देन व्हाट, ऑर्थोसेमिडीन, डायफिनाइलाइन, जिसमें क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे इधर कार्बन कार्बन का डायरेक्ट कनेक्शन होता है ना, इस बार नाइट्रोजन के थ्रू रिंग कनेक्ट नहीं हो रही, ठीक है। तो क्या मिलेगा, इट इज, तो हम बोलेंगे इट इज डायफिनाइलाइन मिलता है, ठीक है, और क्या मिल जाएगा, इट इज ऑर्थो सेमिडीन, ने दोनों प्रोडक्ट्स मिलते हैं। समझ आ गई बात ये, है ना। तो जब दोनों बेंजीन में से एक बेंजीन की पैरा पोजीशन में सब्स्टिट्यूटेड विद सीएल व्हिच इज व्हाट, एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो तब उस केस में क्या बोला हमने, इट इज डायफिनाइल लाइन और इट इज ऑर्थो सेमिडीन, ये दोनों प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, क्लियर है ये, है ना। इसके बाद फिर ना दोनों की जब पैरा पोजिशंस जो हैं, ठीक है, वो ऑक्यूपाइड होती हैं, है ना, तो कौन सी वाली चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे दोनों की पैरा पोजिशन जब ऑक्यूपाइड है ना, दोनों बेंजीन की, इधर भी जैसे मिथाइल लगाया, इधर भी मिथाइल लगाया, तो क्या मिल जाएगा, तो हम बोलेंगे इधर ऑर्थोसेमिडीन जो होता है ना, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट इन रिएक्शन, है ना। अब रिएक्शन में क्या मिलता है, तो हम बोलेंगे इट इज ऑर्थोसेमिडीन जो होगा, दिस इज ऑब्टेंड एज द मेजर प्रोडक्ट इन रिएक्शन,
समझा की बात ही है ना, अभी प्रोडक्ट क्यों मिल रहे हैं इस टाइप से, इसका एसिड देयर इज नो एक्सप्लेनेशन गिवन है ना। तो क्या बोले हमने कि जब दोनों पैरा पोजिशन ऑक्यूपाइड हैं तो क्या मिला हमको, इट ऑर्थोसेमिडीन एज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसमें एक चीज है क्वेश्चन के लिए जो ध्यान में रखनी है, यदि पैरा पोजिशन पर COOH SO3 इस टाइप के ग्रुप्स होते हैं तो हम बोलेंगे ये तो क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट के टाइम पर रिमूव ही हो जाते हैं, है ना। ये इसको आप उससे रिलेट कर लेना कि OH NH2 की ऑर्थो या पैरा पोजिशन पर क्या लगा होता है, इट इज COOH SO3H। तो अपन ने 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल या एनिलीन बनाया था ना, उसी टाइप से ये हो जाएगा। आगे क्या बात समझ में, ठीक है ना। तो इनको याद ही रखना है, ठीक है, इसका लॉजिक एसिड हमको फाइंड करने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है ना। अब कौन सी चीज अपन बोलेंगे कि रिएक्शन जो होती है इसका मैकेनिज्म जो रहेगा ये क्या होता है, अनसर्टन होता है ना। रिएक्शन का मैकेनिज्म अनसर्टन है, ठीक है। इसके लिए जो अपन मैकेनिज्म लिखेंगे, दिस करस्पॉन्ड्स टू थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स, समझ आती बात ये, ठीक है। हालांकि इसके लिए सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स टाइप का मैकेनिज्म भी नोन है, बट हम जिसको रेफर कर रहे हैं वो क्या रहेगा, दैट करस्पॉन्ड्स टू थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स, जिसमें एसिड के रेफरेंस में ऑर्डर 2 है, ठीक है। तो इसके हिसाब से रिएक्शन जो होती है क्या बोलेंगे हम, तो हम बोलेंगे ये जो होता है ना, दैट इज हाइड्रोजोबेंजीन, इसके दोनों नाइट्रोजन का प्रोटोनेशन, इसके थ्रू रिएक्शन आगे बढ़ती है ये पता चलता है, ठीक है। तो ये जो थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स है, ठीक है, ये थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स क्या सजेस्ट कर रहा है, रिएक्शन जो होती है इट प्रोसीड्स टूवर्ड दैट डायप्रोटोनेटेड स्पीशीज, ठीक है। तो क्या किया हमने, हाइड्रोजोबेंजीन में दोनों नाइट्रोजन्स को प्रोटोनेट किया, ठीक है। दोनों नाइट्रोजन्स को प्रोटोनेट करके अब जैसे यदि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट करें रेजोनेंस से तो क्या हो जाएगा, तो बोलिए इस कार्बन पर क्या आ जाता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये दूसरी वाली बेंजीन जो है इसमें नहीं, ये वाला नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड यदि हम तोड़ें, ठीक है, यार टूट रहा हो, तो ये क्या बन जाएगा, एनिलीन। और एनिलीन के ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन क्या होती है, दीज आर नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो ये डायप्रोटोनेटेड स्पीशीज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, इस रिंग पर पॉजिटिव आया, यहाँ ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर पार्शियल निगेटिव ना, कंसिडरिंग ये वाला बॉन्ड इज बीइंग ब्रोकन और उसकी वजह से दिस इज बिहेविंग एज एनिलीन, तो इससे क्या आ जाता है, इट इज निगेटिव चार्ज आ जाता है ना। तो अब ये पॉजिटिव और ये निगेटिव इनको फिर हम जोड़ देते हैं, तो इसकी वजह से दोनों रिंग्स में कैसा आ जाएगा, इट इज क्विनोनॉइड टाइप का स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों डबल बॉन्ड NH2 डबल बॉन्ड NH2, और यहाँ दोनों जगह क्या आ जाएगा, दैट इज आमने सामने डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, आई बात समझ में, ठीक है। और उसके बाद फिर फॉर रीगेनिंग ऑफ एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ से भी H पॉजिटिव हट जाता है, यहाँ से भी H पॉजिटिव हट जाता है, तो ये दोनों रिंग्स किससे जुड़ जाएंगी, कार्बन कार्बन बॉन्ड से, और यहाँ H पॉजिटिव यहाँ H पॉजिटिव के हटने से क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट से फिर से एरोमेटिसिटी आ जाती है, ठीक है। सो इट इज डायप्रोटोनेटेड स्पीशीज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट विद ब्रेकिंग ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाया, और उसके बाद क्या था इस वाले इंटरमीडिएट में एरोमेटिसिटी नहीं, तो फॉर रीगेनिंग ऑफ एरोमेटिसिटी यहाँ से दोनों जगह से एक एक हाइड्रोजन हटकर क्या हो जाएगा, रिंग एरोमेटिक हो जाएगी, और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में क्या बन जाता है, दैट इज बॉन्ड बन जाता है, इधर भी NH2 और यहाँ भी NH2, साथ में क्या निकल गया, दैट इज H पॉजिटिव निकल गया, ठीक है। तो फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, दैट इज ऑफ दिस बेंजीडीन, ठीक है। क्या बोला आपने, मैकेनिज्म अनसर्टन है, बट ठीक है, दिस इज वन ऑफ द वैलिड मैकेनिज्म, एक और है बट वो अपन नहीं देख रहे हैं, समझ आ गई बात ये। तो ये रिएक्शन जो होती है, दिस इज व्हाट दैट बेंजीडीन रीअरेंजमेंट, ठीक है ना। तो एक बार इसको ओके टाइप से एनालाइज कर लेना, बहुत ज्यादा एनालाइज करोगे तो ज्यादा उलझोगे, और बुक्स में भी बहुत ज्यादा लिखा हुआ नहीं है और मैंने भी बहुत एनालाइज किया हुआ नहीं है, तो इससे फिर हम काफी सारी जगह आंसर लेस रह सकते हैं, ठीक है। तो जितना बताया है कंसिडर इट एज इंफॉर्मेशन बेस्ड, ठीक है।